नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू की जो फसल होती है उसका आलू का पछेती अंगमारी रोग। यह रोग है जो फंगस की वजह से उत्पन्न होता है। इस रोग में जो पौधे के वायवीय भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और मृदा में स्थित आलू भी संक्रमित होता है। इसमें पौधे का स्टेम भाग में वाइट कलर की फंगस ग्रो करती है, जिसके कारण जो पौधे का स्टेम होता है वो कमज़ोर हो जाता है और वो पौधा नष्ट हो जाता है। या लीफ के ऊपर जो स्पॉट बनते हैं, जो सर्वप्रथम लीफ की निचली सतह पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे इनका आकार ऊपर की ओर दिखाई देने लग जाता है, यानी कुछ समय बाद ये स्पॉट ऊपर की ओर दिखाई देने लग जाते हैं और जो लीफ होती है वो थोड़ी सी मुड़ने लग जाती है, हल्की सी कर्ली होने लग जाती है। जो स्पॉट होते हैं वो हल्के येलो कलर के होते हैं शुरुआत में और धीरे धीरे ब्राउन और ब्लैक कलर में चेंज हो जाते हैं। लीफ है जहां पर स्पॉट बनता है वहां से बिल्कुल कर्ली हो जाती है, मुड़ने लग जाती है। शुरुआत में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो लीफ के शीर्ष भाग या किनोर से शुरू होते हैं और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और स्टेम पर पहुंच जाते हैं और स्टेम के बाद पूरी पौधे को नष्ट कर देते हैं। जैसे कि इस क्रॉप्स में ये सारे पौधे मर चुके हैं और यह कार्य लगभग वातावरण में 85% आर्द्रता और जो तापमान है वो इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अनुसार यह फंगस तीव्र गति से ग्रोथ करती है और संपूर्ण फसल को नष्ट कर देती है। स्पॉट होते हैं जिसके कारण लीफ में भोजन की क्रिया वो अवरुद्ध हो जाती है और लीफ कर्ली आकार की हो जाती है और पौधे बिल्कुल अभद्र या भद्दे आकार के दिखाई देते हैं। शुरुआत में जो स्पॉट थे वो लीफ के निचली स्तर पर थे और कुछ समय बाद ऊपर की ओर दिखाई देने लगते हैं। सीवियर कंडीशन में यह फंगस आलू जो मृदा के अंदर स्थित होता है उस पर भी दिखाई देता है और आलू के अंदर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है आर्द्र विघलन और एक होता है शुष्क विघलन। आर्द्र विघलन में इसमें द्रव भरा जाता है और शुष्क विघलन में जो आलू होता है उसमें द्रव नहीं भरा जाता, लेकिन अंदर का जो पार्ट्स होता है वो नीले कलर का हो जाता है। ये आर्द्र विघलन है, ये आर्द्र विघलन है, यह शुष्क विघलन है और इस पर जो द्रव नहीं भरा जाता लेकिन ऊपर चकते बन जाते हैं और जब आलू को काट कर देखा जाता है तो उसमें नीले रंग का या भूरे कलर की धारियां भी पाई जाती है और ब्राउन कलर का आलू हो जाता है और ऊपर पर ऊपरी हिस्से पर चकते होते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू का पछेती अंगमारी रोग। इस रोग को आलू का पछेती अंगमारी रोग भी कहते हैं। यह कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला मुख्य रोग है आलू में। इसके द्वारा आलू की संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है, इसके द्वारा अकाल पड़ सकता है। आलू की फसल का यह एक विनाशकारी रोग है जो संसार के सभी क्षेत्रों में जहां पर भी आलू की फसल लगाई जाती है वहां पर यह डिजीज मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यह रोग 1845 से 46 में महामारी रूप में आयरलैंड में उत्पन्न हुआ। इसे पोटैटो की आयरिस के रूप में भी जाना जाता है, यानी इस डिजीज को पोटैटो आयरिस के नाम से भी जाना जाता है। यह महामारी रूप में 1845 और 46 में आयरलैंड में, जो आयरलैंड देश है वहां पर सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। यह रोग उत्पन्न होने के लगभग एक तिहाई या 1,00,000 व्यक्ति मारे गए थे, यानी इस रोग के उत्पन्न होने के बाद जिन लोगों ने आलू से बने पकवान खाए थे या आलू को खाने के बाद यह रोग उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण 1,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह रोग भारत में सर्वप्रथम 1870 और 80 में नीलगिरी पहाड़ियों पर यूरोप से मंगाए गए आलूओं में उत्पन्न हुआ, यानी जो सर्वप्रथम जो आयात किए गए थे आलू 1870 और 80 के आसपास, उस समय नीलगिरी पहाड़ियों में जब आलूओं को लगाया गया उस समय यह डिजीज यूरोप से मंगाए गए थे, उस समय यह डिजीज आलू में उत्पन्न हुआ था। भारत के मैदानी भागों में 1899 में यूपी के और देहरादून के वे मेरठ जिलों में जून व मई में उत्पन्न हुआ, यानी भारत के अंदर जब आलू की फसल
मैदानी भागों में 1899 में यूपी और देहरादून तथा मेरठ के में जब फसल लगाई गई जून जुलाई में, तो यह डिजीज उत्पन्न हुआ। 1965 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में भी यह रोग फैला, यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी थी उसके आसपास आलू की खेती की जाती थी और 1965 में यह डिजीज फैला। इसके अतिरिक्त यह जो सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें होती है जैसे टमाटर में भी इस रोग से या रोग कारक उत्पन्न हुए या रोग दिखाई दिए। इस रोग से 15-50% तक हानि होती है। तो इस रोग के जो लक्षण होते हैं वो आलू के पौधे पर फूल आने की अवस्था में ही दिखाई देते हैं, यानी जब फसल में फूल आते हैं यानी फ्लोरिंग स्टेज में होती है उस समय ही यह डिजीज प्रोड्यूस होती है या दिखाई देती है। पत्तियों पर वृत्ताकार यानी लीफ पर राउंड शेप में व अनियमित वाटर शोक्ड पीले धुंधले स्पॉट उत्पन्न होते हैं। यह स्पॉट लीफ की निचली सतह से शुरू होकर ऊपरी सतह पर फैल जाते हैं, यानी शुरू में जो स्पॉट बनते हैं वो लीफ की निचली सतह पर बनते हैं और बाद में ऊपरी सतह पर फैल जाते हैं और राउंड शेप में बनते हैं और अनियमित होते हैं, यानी एक स्थान पर नियमित नहीं होते हैं, वाटर शोक्ड होते हैं और पीले धुंधले आकार के स्पॉट बनते हैं। नम वातावरण में मटमेले भूरे रंग के होते हैं, यानी जब नमी इसके अकॉर्डिंग होगी तो मटमेले भूरे रंग के ये स्पॉट उत्पन्न होते हैं। कुछ समय बाद ये स्पॉट काले व नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। लीफ के किनारे हल्के से मुड़ जाते हैं, यानी जब लीफ है, जब डिजीज इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा तो यह लीफ अंदर की ओर मुड़ जाती है हल्की सी। यदि वातावरण में हल्की सी वर्षा हो जाती है या बौछार होती है तो पौधे के सभी वायवीय भाग 1-4 दिन में सड़ जाते हैं, यानी इस डिजीज का सबसे ज़्यादा नुकसान जब वर्षा या वातावरण में नमी होगी या बौछार होगी तो 1-4 दिन में संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। इस रोग में कवक की असंख्य बीजाणु उत्पन्न होते हैं और यह कवक सफ़ेद धूसर रंग की होती है। जो कवक होती है उसके बीजाणु होते हैं वो असंख्य आकार में होते हैं या असंख्य होते हैं और सफ़ेद धूसर रंग की होती है जो कवक होती है। इसकी वृद्धि 3-5 mm चौड़ाई में होती है तथा शुष्क मौसम में यह कवक वृद्धि नहीं करती, यानी जब ड्राई सीजन होगा तो यह कवक वृद्धि नहीं करती है। रोग का आक्रमण भूमि में दबे हुए आलुओं पर भी हो सकता है, यानी आलू हमेशा मृदा में रहते हैं। जब संक्रमण अधिक होगा तो संक्रमित की जो सीवियर कंडीशन होगी वो आलू को भी नुकसान पहुंचाती है, यानी आलू को भी संक्रमित कर देती है। यह संक्रमण दो प्रकार का होता है, एक तो आर्द्र विगलन और एक होता है शुष्क विगलन। जो आर्द्र विगलन होता है इसमें भूमि में नमी अधिक होने पर आलू की त्वचा पर आलू के अंदर द्रव भर जाता है, यानी जो आलू होता है मृदा के अंदर उसमें द्रव भर जाता है और आलू गलने व सड़ना शुरू हो जाता है। शुष्क विगलन में क्या होता है, आलू की जो ऊपरी त्वचा होती है वो नीले व काले रंग की हो जाती है और भूरे स्पॉट मिलते हैं। आलू को जब काट कर देखा जाता है तो आलू के अंदर का भाग हल्का भूरा नीला दिखाई देता है, यानी इसमें द्रव नहीं भरता लेकिन आलू का अंदर वाला भाग होता है वो हल्का भूरा या नीले रंग का दिखाई देता है। यह 5-15 mm आकार की या उस आकार में फैलता है। नेक्स्ट है एटियोलॉजी, हेतु की। जो इसका रोग कारक होता है यानी पैथोजन होता है वो होता है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। यह जो कवक होती है यानी जो कवक से उत्पन्न होने वाली यह डिजीज है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, यह कवक मैस्टिगोमाइकोटीना वर्ग की है तथा इसका जो गण है वो है ओमाइसिटिस। इस कवक में एंडोफाइटिक्स अंतःपादपी प्रकृति की या गुण होता है, या जो कवक होती है वो एंडोफाइटिक्स प्रकृति की होती है। जो कवक होती है वो सेप्टेड प्रकृति की होती है, यानी शाखित व पटहीन। 4-8 mm व्यास की होती है व इंट्रासेलुलर प्रकृति की होती है, यानी भेदन की क्षमता रखती है। इस कवक में गदाकार चूसक अंग पाए जाते हैं, यानी जो चूसक अंग होते हैं जो भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, जो हाइफा होती है वो गदाकार आकृति की होती है। चूसक अंग प्रपोसी के अंदर प्रवेश कर भोजन ग्रहण करते हैं और कवक जाल का निर्माण करते हैं।
बीजाणुधानी हल्के पीले रंग की बनती है, यानी जो स्पोरेंजियोफोर बनता है वो हल्के पीले रंग का बनता है। वह नाशपति आकार की, बहुकेंद्र की व पतली आकार की होती है। जो बीजाणुधानी होती है स्पोरेंजियोफोर, वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अंकुरण करती है और 200 स्पोर का निर्माण करती है, यानी कम से कम 200 इसमें स्पोर पाए जाते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। और बीजाणुधानी है वो हल्के पीले रंग की बनती है और नाशपति आकार की होती है, यानी लेमन शेप आकार की होती है और बहुकेंद्र की होती है। उसमें केंद्रक होता है वो बिल्कुल पतला होता है। 15 से अधिक तापमान होने पर, यानी 15 डिग्री से अधिक तापमान होने पर सीधे जनन नलिका, यानी जो जर्म ट्यूब होती है वो सीधी ग्रोथ करती है और अंकुरण कर देती है। और प्रत्येक बीजाणुधानी 3 से 8 जूस्पोर का निर्माण करती है, यानी जो स्पोरेंजिया होती है उसमें 3 से 8 जूस्पोर का निर्माण होता है। यह जूस्पोर द्विकसाबी के, यानी बाइफ्लेजिलेट प्रकृति के होते हैं और किडनी शेप के होते हैं, यानी जो जूस्पोर होते हैं उनकी आकृति बिल्कुल किडनी के आकार की होती है। जूस्पोर पौधे पर जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो यह गति कर राउंड शेप में आ जाते हैं, यानी जब किडनी के आकार के होते हैं और कुछ समय बाद ये जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो ये राउंड शेप में आ जाते हैं, यानी गतिशील हो जाते हैं और सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। कुछ समय तक ये सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं या किसी पौधे के संपर्क में आ जाते हैं तो यह डायरेक्ट जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं और डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। अनुकूल वातावरण मिलने पर सुसुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी स्टेज होती है, वो समाप्त हो जाती है और अंकुरण अवस्था धारण कर लेती है। जो नई जनन नलिका बनती है और होस्ट प्लांट में प्रवेश कर जाती है और नया रोग उत्पन्न करती है, यानी जब अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो डोरमेंसी स्टेज होती है वो समाप्त हो जाती है और एक जर्म ट्यूब का निर्माण होता है। और जर्म ट्यूब डायरेक्ट पेनिट्रेशन का कार्य करती है और नई कवक जाल का निर्माण करती है और नया रोग उत्पन्न करती है। यह रोग कवक विषम थैलसी प्रकृति की होती है तथा लैंगिक जनन दो अलग अलग, यानी मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो क्रॉस होता है उसमें लैंगिक जनन में मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा ही लैंगिक जनन संपूर्ण होता है। लैंगिक जनन में ऊस्पोर का निर्माण होता है। ऊस्पोर जनन नलिका बनाकर बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं, यानी क्रॉस के द्वारा ऊस्पोर का निर्माण होता है और ऊस्पोर बीजाणुधानी का निर्माण करते हैं, यानी स्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं। स्पोरेंजिया डायरेक्ट भेदन की क्षमता भी रखती है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में दो प्रजातियां पाई जाती है, नंबर एक फाइटोप्थोरा पैरासिटिका और फाइटोप्थोरा हिमालयंस। लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो जो डिजीज है, इसमें जो फंगस होती है वह मृदा से और आलू के द्वारा दोनों प्रकार से इन्फेक्शन करता है, यानी यह सीड और सॉयल बॉर्न डिजीज होता है। इसका जो प्रसारण होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि यह एक पौधा होता है, इस पौधे में यानी इसमें कोई इन्फेक्शन शुरुआत के अंदर कोई इन्फेक्टेड लीफ, जो इन्फेक्टेड लीफ होती है इसके अंदर कवक के द्वारा स्पॉट उत्पन्न किए जाते हैं। ये स्पॉट इनमें फर्टिकेशन की क्रिया होती है, क्रॉस होता है मेल और फीमेल का, क्रॉस होने के बाद इसमें स्पोरेंजिया का या बीजाणुधानी का निर्माण होता है। यह बीजाणुधानी में जूस्पोर यानी जो बीजाणु होते हैं या इस कवक के जो इन्फेक्शन के जो स्पोर होते हैं वो भरे रहते हैं बीजाणुधानी में। कुछ समय बाद यह स्पोर रिलीज हो जाते हैं, यानी यह बीजाणुधानी होती है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने के बाद उसमें से जूस्पोर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और जो जूस्पोर होते हैं वो बाइफ्लेजिलेट होते हैं, यानी उसमें दो शाखाएं या दो तंतु होते हैं। यह दो तंतु वर्षा या वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और लीफ की स्टोमेटा को भेद कर उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद यह नई लीफ या नए पौधे में इन्फेक्शन करते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, या जो पौधा होता है उससे डायरेक्ट सीडलिंग प्रोड्यूस की जाती है और प्रोड्यूस करने के बाद बीजाणुधानी का निर्माण होता है। बीजाणुधानी से जो बीजाणु होते हैं वो जूस्पोर आकार में होते हैं और जूस्पोर रिलीज होने के बाद स्टोमेटा, लीफ की स्टोमेटा को भेदन किया जाता है, यानी जर्म ट्यूब द्वारा
भेदन की क्रिया की जाती है। भेदन की क्रिया करने के बाद जर्म ट्यूब द्वारा भेदन की क्रिया की जाती है, और भेदन करने के बाद यह पौधे में प्रवेश कर जाता है, और पौधे से यह आलू में डिजीज पहुंच जाता है। और आलू में यह दो प्रकार का होता है, आर्द्र विगलन और शुष्क विगलन। आर्द्र विगलन में द्रव भरा रहता है, और शुष्क विगलन में उसके अंदर नीली या भूरे कलर की जो धारियां होती है या कलर हो जाता है, या आलू के ऊपर चकते पाए जाते हैं। इस डिजीज का कैसे चलता है, यह जो डिजीज होती है यह सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न प्रकृति की होती है, यानी इसकी जो कवक होती है वो सीड के अंदर भी मौजूद रह सकती है या सॉइल में अवशेष के रूप में भी पड़ी रह सकती है। उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह रोग समाप्त हो जाता है, यानी जो उष्ण क्षेत्र है वहां पर 30 डिग्री तापमान होने पर यह डिजीज समाप्त हो जाती है, इससे नीचे पर यह रोग नहीं फैलता। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में प्राइमरी इन्फेक्शन प्राथमिक निवेश द्रव्य सीड में रहता है, यानी जो प्राथमिक जो निवेश द्रव्य होता है उत्तरी भारत में वो सीड के अंदर ही मौजूद रहता है। इस रोग का विकास 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 80% आर्द्रता पर, 3 से 4 घंटे वर्षा होने पर व हल्की बूंदाबांदी होने पर तीव्र गति से फैलता है, यानी जो सीवियर कंडीशन आती है वो 16 से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 85% आर्द्रता पर आती है। 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जूस पोर अंकुरण करते हैं, यानी जो जूस पोर है उसका अंकुरण सिर्फ 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही होता है, तथा 2 से 2.5 घंटे में लीफ की स्टोमेटा को भेद देते हैं। जो जूस पोर होते हैं वो 2 से 2.5 घंटे में लीफ की स्टोमेटा को भेद देते हैं। किसी दिन रात का तापमान 24 या 4 घंटे, किसी दिन रात का तापमान 4 घंटे कुछ नीचा या निम्न होने पर, तो निम्न हो जाएगा तो जिसके कारण संपूर्ण पौधे मर जाते हैं या डाई हो जाते हैं, और रोग तीव्र गति से फैलता है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा अधिक होने पर अगले दिन मौसम साफ रहता है तो यह 24 घंटे में 0.1 नैनोमीटर वर्षा होने पर यह रोग तीव्र गति से फैलता है। प्रबंधन, आलू का जो पछेती अंगमारी रोग है उसका प्रबंधन के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे सदैव सर्टिफाइड बीज का ही प्रयोग करें तथा बोने से पूर्व बीज को उपचारित कर लें, और उपचारित करने के लिए कुछ केमिकल्स हैं, फंजीसाइड हैं, जैसे मैंकोजेब, डाइथेन Z78 या एग्लोल 6, सेरेसोल 6, या खेत के आसपास खरपतवार न पनपने दें, जैसे मकोई और जंगली रसबरी। खरपतवारों को नहीं पनपने दें या मैंकोजेब या डाइथेन Z78 से बीज उपचारित करें। आलू की खुदाई के बाद बचे अवशेष को बोर्डो मिश्रण के घोल से छिड़क कर मृदा को उपचारित करें। फसल की जो अवशेष हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी में दबा दें, यानी जो मिट्टी में गड्ढा खोदें और उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर निचाई या ऊंचाई तक दबा दें। भंडार गृह में भंडारित आलू 3.5 से 4.4 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करें, यानी भंडार गृह में जब आलू का भंडारण करें तो उसका तापमान 3.5 से 4.4 डिग्री सेल्सियस रखें। नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह रोग ज़्यादा नाइट्रोजन देने से भी फैलता है या सिंचाई के द्वारा भी ज़्यादा देने से फैलता है। खड़ी फसल में जब यह रोग दिखाई दे तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या जून के तीसरे सप्ताह में डाइथेन M45 या डाइथेन Z78 2.5 kg 1000 लीटर जल में घोलकर फोलियर स्प्रे करें।